हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आजकल जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो बहुत ही बेसिक्स, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन, जो चीज़ें होती हैं उनको लेके फोकस कर रहे हैं। अभी मैंने फील्ड वीडियोज़ पर वीडियो बनाना थोड़ा सा कम किया है। मैं सोचता हूँ कि पहले जो है हम फंडामेंटल्स की कुछ चीज़ें क्लियर कर लें। तो होगा क्या कि जैसे कोई मुझसे कमेंट में पूछता है कि सर ये बता दीजिए, बेसिक ये बता दीजिए, तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने वीडियो बना रखा है, आप वीडियो लिस्ट में जाएं और उसे देखें। उसी तरीके आज का जो बेसिक टॉपिक है, जैसा कि आपने देख लिया है कि आज हम जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एक सेंसर में, एक ट्रांसड्यूसर में, एक ट्रांसमीटर में। दोस्तों, ट्रांसमीटर में तो डिफरेंसेस हमको क्लियरली समझ में आ भी जाते हैं, बट सेंसर और ट्रांसड्यूसर में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हमें है, हम कभी कभी जवाब नहीं दे पाते हैं। और वो सही भी है, कहीं ना कहीं सेंसर और जो ट्रांसड्यूसर है वो हमारे लिंक्ड चीज़ें हैं। लिंक्ड होने की वजह से दे आर नॉट कैपेबल टू डिफरेंशिएट एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर पैरामीटर। मतलब किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ पे कभी कभी हम उसे डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन यू कैन, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगा और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये समझने में कोशिश करवाऊंगा कि आपको ये समझ में आएगी किस चीज़ को ट्रांसमीटर बोले, किस चीज़ को ट्रांसड्यूसर बोले और कब उस चीज़ को सेंसर बोले। तो चलिए दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड कई तरीके के वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा हम और टॉपिक्स में वीडियो बनाते रहते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है सेंसर, ट्रांसड्यूसर एंड ट्रांसमीटर, तो दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, जितने भी सेंसर होते हैं वो ट्रांसड्यूसर तो हो सकते हैं लेकिन ट्रांसड्यूसर सारे सेंसर नहीं हो सकते। अगर आप ये लाइन हमेशा याद रखेंगे तो आपको जो है कन्फ्यूज़न होने की कंडीशंस जो होती है वो कम होगी, होगी लेकिन कम होगी। क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑल सेंसर्स आर ट्रांसड्यूसर, सारे सेंसर ट्रांसड्यूसर तो हो सकते हैं बट ऑल ट्रांसड्यूसर कैन नॉट बी अ सेंसर। अब ये मैं एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सबसे पहले जानते हैं ट्रांसड्यूसर होता है क्या है। बेसिक आपने तो जान ही रखा है कि ट्रांसड्यूसर होता क्या है। ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दैट इज द वर्क ऑफ द ट्रांसड्यूसर। अच्छा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसमें उन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ अगर दो आ रही है तो उसके प्रोपोर्शनेट ही आउटपुट वो निकालेगा ताकि मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पीकर की बात कर लेते हैं, हमारे घर पे स्पीकर्स होते हैं, मोबाइल में स्पीकर्स होते हैं, हेडफोन में स्पीकर होते हैं, हमारे म्यूजिक सिस्टम में स्पीकर होते हैं। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अ साउंड एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये एक डिवाइस जो हो गया स्पीकर आपका, वी कैन कॉल इट एज अ ट्रांसड्यूसर। ओके, नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड कि हमें सेंसर क्या होता है। तो सेंसर के बारे में आपको बता दें, सेंसर एक ऐसी चीज़ होती है जो इन्वायरमेंटल, फिजिकल इन्वायरमेंटल की कुछ पैरामीटर्स को सेंस करती है और उस सेंस करके हमें क्या करती है, किसी और चीज़ में उसका डाटा प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी फील्ड डिवाइसेस होगी, फील्ड डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस है जो हीट को सेंस करती है, टेम्परेचर को सेंस करती है, फ्लो को सेंस करती है, प्रेशर को सेंस करती है, मोशन को सेंस करती है। तो ये सारी चीज़ें जो सेंस कर रहा है, देखो नाम ही, मैं बोल भी रहा हूँ, व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ जब बात बोलेंगे ना कि ये सेंस करता है, तो सेंसर वहीं पर आ रहा है, सेंस करता है। यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंट की चीज़ों को गैस करे, या गैस करे, सेंस मैंने नहीं बोलना चाह रहा था, गैस करे, तो वो चीज़ हो जाएगी सेंसर। ओके, तो सेंसर भी क्या करती है, सेंस करके एक मीनिंगफुल आउटपुट देती है उस फिजिकल जो आप चीज़ मेजर कर रही है उसके प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज एवरीथिंग इन द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल इज कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं होता कि फील्ड में कुछ चल रहा है और अपने मन से ही ट्रांसड्यूसर या ट्रांसमीटर या सेंसर कुछ भी दिखा रहा है, नहीं। जो चल रहा है उसके प्रोपोर्शनेट जो वैल्यू बनती होगी, प्रेशर की, फ्लो की, टेम्परेचर की, वही वैल्यू वो शो करेगा। दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोपोर्शनेट। अब फॉर एग्जांपल आपको जैसे थर्मोकपल है, थर्मोकपल या आरटीडी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आरटीडी का। आरटीडी क्या होती है, हमारे आरटीडी को टेम्परेचर सेंस करना होता है और टेम्परेचर सेंस करके वो
आउटपुट निकालती है इन द फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सेंसर हो गया। उसने एक फिजिकल एनवायरनमेंट की चीज़ सेंस करी और उसने एक आउटपुट निकाल दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर आरटीडी जो है वो ट्रांसड्यूसर भी तो हो सकता है, क्योंकि सर उसने क्या किया, टेम्परेचर को सेंस किया और उसने रेसिस्टेंस में आउटपुट निकाल दिया, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हम उस पर चलते हैं, लेकिन उसमें चलने से पहले एक चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा, तब उसी पर ही जाऊँगा। हम ट्रांसड्यूसर को जो है ना दो टाइप के कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, सो दैट वी कैन रिड्यूस आवर कन्फ्यूज़न, हमारे कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए। पहला जो ट्रांसड्यूसर हो जाएगा वो इनपुट टाइप ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे आरटीडी की। इनपुट टाइप ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो भी क्या करता है, इनपुट जो एनर्जी इनपुट से मिल रही होती है उसे दूसरी एनर्जी में आउटपुट की फॉर्म एज आउटपुट निकाल देता है। अब उस कन्वर्जन को देखो, ट्रांसड्यूसर को कन्वर्जन के लिए एक सर्किट चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं वापस आ जाता हूँ आरटीडी के केस में। तो आरटीडी क्या कर रही है, देखो टेम्परेचर हीट को, देखो हीट एक फिजिकल चीज़ है, ध्यान रखिएगा फिजिकल चीज़ क्या है, और टेम्परेचर एक थिंग है, नॉट थिंग है, एक वैल्यू है। तो आरटीडी क्या कर रही है, किसी फिजिकल चीज़ को नहीं सेंस कर रही है, हीट को नहीं सेंस कर रही, मतलब हीट को नहीं सेंस कर रही है, हीट के टेम्परेचर को सेंस कर रही है। दोनों अलग अलग बातें हैं, प्लीज माइंड दिस। आरटीडी टेम्परेचर को सेंस कर रही है, टेम्परेचर हीट से आता है लेकिन हीट नहीं आती है, तो इट इज नॉट सेंसिंग द हीट एनर्जी। तो जब सेंसर हीट एनर्जी को सेंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ट्रांसड्यूसर नहीं है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर एनर्जी कन्वर्ट करता है। आरटीडी आपकी सेंसर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, टेम्परेचर को सेंस किया और उस टेम्परेचर को देन कन्वर्ट कर दिया रेसिस्टेंस में। तो ये हो गया सेंसर का पार्ट। बट जब हमें उस टेम्परेचर को वैल्यू चाहिए होती है हमारे डीसीएस में, तो वहाँ हमें ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आरटीडी जो रेसिस्टेंस उसने दिया है, अब हम उसके आगे लगा देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज लगा देते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से क्या होता है, वो सिग्नल जो है वो वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब करंट को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। तो ये काम, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में एनर्जी में चेंज किया, तो ये काम कौन कर सकता है, ये काम कर सकता है ट्रांसड्यूसर। तो आरटीडी कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रांसड्यूसर, ठीक है, लेकिन जो आपकी जो सेंसिंग डिवाइस है, सेंसर हो गया आरटीडी, वो आपका ट्रांसड्यूसर नहीं है। आरटीडी को आप सेंसर कह सकते हैं, जैसे आपका रेसिस्टेंस है उसको आप सेंसर कह सकते हैं, लेकिन आप जो है पूरी आरटीडी के ट्रांसमीटर उसमें अगर लगा हुआ तो उसे सेंसर नहीं कह सकते, वो हो गया ट्रांसड्यूसर। क्योंकि उसने क्या किया, उसने टेम्परेचर की जो इनपुट आया है, यानी वो रेसिस्टेंस आया है, वो रेसिस्टेंस के रेसिस्टेंस को वोल्टेज में चेंज किया, माफ़ कीजिए मैंने इलेक्ट्रिकल एक जगह करंट बोल दिया था, जो रेसिस्टेंस आया है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट किया, तो ट्रांसड्यूसर हो गया। तो आरटीडी एज अ होल इज़ अ ट्रांसड्यूसर, लेकिन आरटीडी इज सिंपली आप टॉकिंग अबाउट आरटीडी, सॉरी आरटीडी ट्रांसमीटर इज़ अ ट्रांसड्यूसर, बट आरटीडी जो हो गया वो हो गया आपका सेंसर। इसी तरीके थर्मोकपल का केस, थर्मोकपल का केस ऐसा होता है कि उसमें दोनों ही कह सकते हैं। थर्मोकपल क्या करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट की चीज़ को सेंस करता है, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेंस करेगा और वो डायरेक्ट ही हमारा आउटपुट निकाल देता है मिलीवोल्ट में। तो यानी वो सेंसर का भी काम कर रहा है एज वेल एज ट्रांसड्यूसर का भी काम कर रहा है, क्योंकि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट कर दे रहा है। तो और थर्मोकपल हीट एनर्जी को ही सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस नहीं करता। आरटीडी टेम्परेचर को सेंस करती, हीट एनर्जी को सेंस नहीं करती। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो गया कि सेंसर क्या चीज़ होती है और थर्मोकपल क्या चीज़ होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रेशर ट्रांसमीटर का एग्जांपल लें, तो प्रेशर ट्रांसमीटर जो डिवाइस है वो ट्रांसड्यूसर है। वो ट्रांसड्यूसर इस वजह से है क्योंकि प्रेशर ट्रांसमीटर क्या करेगा, दो चार चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए जिससे वो प्रेशर को, फिजिकल एनवायरनमेंट के प्रेशर को सेंस करने के बाद चेंज कर सकेगा। जैसे आजकल जो प्रेशर ट्रांसमीटर आ रहे हैं उसके अंदर जो सर्किट होता है वो होता है कैपेसिटेंस बेस्ड सर्किट, ठीक है। स्ट्रेन गॉज वाला भी आता था, वो बहुत पहले आता था। जैसे आप प्रेशर ट्रांसमीटर का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मैं प्रेशर ट्रांसमीटर के प्रिंसिपल पे एक वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर कैपेसिटेंस होता है, तो जो प्रेशर आता है कैपेसिटेंस चेंज होता है, कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ
वोल्टेज और वो सिग्नल एंड कंडीशनिंग यूनिट उस कन्वर्जन को उस कैपेसिटेंस के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई है उसको आप वापस कन्वर्ट कर देते हैं मीनिंगफुल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर ट्रांसमीटर इज अ ट्रांसड्यूसर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बीच का खेल और कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ट्रांसमीटर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस, कोई भी डिवाइस है, उसको स्टैंडर्ड 4 to 20 mA या 1 to 5 volt, दोनों ही 4 to 20 mA इज द वास्टली यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन 1 to 5 volt भी कहीं यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग 1 to 5 volt। तो 4 to 20 और 1 to 5 volt में कोई डिवाइस इस स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करती है तो उसे बोलेंगे ट्रांसमीटर, क्योंकि ट्रांसमीटर की हेल्प से ही हमें सिग्नल मिलता है। देखो ट्रांसमीटर के अंदर ट्रांसड्यूसर यूनिट भी होती है एंड सेंसिंग यूनिट भी होती है। सेंसिंग यूनिट और ट्रांसमीटिंग ट्रांसड्यूसर मिलके एक ट्रांसमीटर बनाते हैं। तो ये होता है ट्रांसमीटर, क्योंकि ट्रांसमीटर को समझना इसलिए आसान था क्योंकि सारा अंदर था उसके। लेकिन सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बीच में कन्फ्यूजन इस वजह से होता है क्योंकि कई बार सेंसर ट्रांसड्यूसर का ही काम करने लगता है, लेकिन ट्रांसड्यूसर कभी सेंसर का काम नहीं करेगा। तो मेरे जो एग्जांपल थे आरटीडीयू थर्मोकपल वाले, वहां पे कभी आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांसड्यूसर आपका सेंसर हो सकता है, सेंसर आपका ट्रांसड्यूसर हो सकता है। जैसे आपकी आरटीडी सेंसर ट्रांसड्यूसर बन सकती है, लेकिन आपका ट्रांसड्यूसर जैसे स्पीकर वो कभी सेंसर नहीं बन सकता। उसको क्योंकि उसको चाहिए होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो सेंस नहीं कर रहा होता, उसे चाहिए होती है एनर्जी कि इसमें एनर्जी मिलेगी तो मैं वैल्यू आएगी तो मैं करूँगा, वैल्यू नहीं आएगी तो नहीं करूँगा। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। बाकी मैंने रेफरेंस जो लिया है, आप फोटो देख रहे होंगे, उसमें WION लिखा होगा, दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन की एक वेबसाइट है। वहाँ से मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा था, मैं गो थ्रू कर रहा था किसी चीज़ में तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसी चीज़ को इलेबरेट करके बता दिया है। बाकी डिटेल्स आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों से शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।